उदाहरण 10, बहुपद 2 u की घात 2 ऋण 4 u धन 3 में क्या जोड़े की योगफल 4 u की घात 3 ऋण 5 u की घात 2 धन 1 प्राप्त हो। माना बहुपद PU बराबर 2 u की घात 2 ऋण 4 u धन 3 में बहुपद QU को जोड़ने पर बहुपद RU बराबर 4 U की घात 3 ऋण 5 U की घात 2 धन 1 प्राप्त होगा अर्थात बहुपद PU धन बहुपद QU बराबर बहुपद RU या बहुपद QU बराबर बहुपद RU बहुपद PU का पक्षांतर करने पर ऋण बहुपद PU हमें प्राप्त होगा या QU बहुपद QU बराबर बहुपद RU जो है हमारे पास इसे हम कोष्ठक में लेंगे 4 U का घात 3 ऋण 5 U की घात 2 धन 1 ऋण बहुपद PU जो है हमारे पास है 2 U की घात 2 ऋण 4 U धन 3 बराबर कोष्ठक को हम खोलेंगे तो कोष्ठक को खोलने पर 4 U की घात 3 ऋण 5 U का घात 2 धन 1 दूसरे कोष्ठक को जब हम खोलेंगे तो ऋण चिन्ह बाहर है ऋण 2 U की घात 2 धन 4 U ऋण 3 बराबर 4 U की घात 3 ऋण 5 U की घात 2 ऋण 2 U की घात 2 धन 4 U धन 1 ऋण 3 बराबर 4 U की घात 3 यहां पे ऋण 5 U की घात 2 और ऋण 2 U की घात 2 आपस में इसको जोड़ेंगे तो कोष्ठक में हमारे पास ऋण 5 ऋण 2 उभयनिष्ठ U की घात 2 बाहर निकलेगा धन 4 U धन 1 ऋण 3 बराबर 4 U की घात 3 धन ऋण 5 ऋण 2 ऋण 7 U की घात 2 धन 4 U धन 1 ऋण 3 बराबर ऋण 2 बराबर 4 U की घात 3 ऋण 7 U की घात 2 धन 4 U ऋण 2 हमें प्राप्त हुआ। इस तरह से हमें दो बहुपदों के बीच का जो अंतर है हमें 4 U की घात 3 ऋण 7 U की घात 2 धन 4 U ऋण 2 प्राप्त हुआ। यह इस उदाहरण का हल होगा।